तो चलिए इस स्वादिष्ट से चिकन की रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बर्तन गर्म हो गया है, उसमें हम आधा लीटर तेल ऐड करेंगे। ये जो चिकन बन रही है 10 से 15 लोगों के लिए बन रही है, तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम 2 बड़े चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 3 से 4 तेज़पत्ता बेलीफ को ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छे से फूटने देना है। जब ये हमारा अच्छे से फूट जाएगा तो यहाँ पे हमने करीबन 1.5 kg प्याज कट करके ऐड करेंगे और जो चिकन हमारा है वो 3 kg है, इसलिए सिर्फ चिकन का आधा हमें प्याज ऐड करना है। तो हमने 1.5 kg यहाँ पे प्याज ऐड किया है। प्याज को आप रफली ही चॉप करें क्योंकि चिकन के साथ हमारा प्याज पूरी तरीके से गल जाएगा। तो प्याज को हमें हाफ कुक करना है और प्याज को भूनने में करीबन आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगने वाला है। और यहाँ पे हमने करीबन 10 से 15 हरी तीखी वाली मिर्च को ऐड की है। तो इन सब को अब हम भून लेते हैं अच्छे से। प्याज जो है हमारी आधी पक जानी चाहिए और वो पिंकिश कलर की हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो काफ़ी अच्छे से कलर चेंज कर रही है और आधी पक चुकी है हमारी प्याज। तो यहाँ पे हमने 3 kg चिकन को अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। अब हम चिकन को ऐड कर लेते हैं। चिकन ऐड करने के बाद 15 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे और हर एक 5 मिनट में इसे हम चेक भी करते जाएंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें ताकि जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से गल जाए। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। तो चलिए अब हम मसालों की तैयारी करते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है। यहाँ पे 2 स्टार फूल, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा और 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च और 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम ही हमने यहाँ पे लहसुन लिया है। तो इन सब को हम अच्छे से मिलाते हुए इसका एक फाइन या दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे करीबन 10 मिनट के बाद हम चिकन को चेक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है और इससे ही हमारा जो चिकन है पूरे अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। अगर आप चाहो तो पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच नमक ऐड किया है। इन सब को हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि हमारा चिकन और भी अच्छे से पानी छोड़े और वो अच्छे से कुक हो जाए। तो इनको अच्छे से मिला कर हम फिर से लीड लगा के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमने अब 1 बड़ी चम्मच हल्दी को ऐड किया है और उसके बाद हमने जो मिक्सर जार में लहसुन, अदरक और गरम मसाला का पेस्ट तैयार किया था उसे भी अब हम ऐड कर देते हैं और इन सब के साथ अच्छे से मिलाते हुए इनको हम भूनेंगे। अब आप ना एक बार इस तरीके से चिकन बना के देखना, आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन धीरे धीरे काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर रही है, छोड़ रही है। तो इससे ही हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से कुक होने वाला है और बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। तो करीबन 6 से 7 मिनट के बाद आप देखिए जो अब चिकन में हमने तेल ऐड किया था वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है, मीन्स चिकन हमारा अब तेल छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी भुने हुए धनिए का पाउडर ऐड किया है, 1 कटोरी यहाँ पे हमने ये मिर्च पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे हमने 2 पैकेट एवरेस्ट का चिकन मसाला ऐड किया है और कलर के लिए यहाँ पे हम देगी मिर्च ऐड कर रहे हैं। तो इन सबको अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। चिकन जब आपका अच्छे से भून जाए उसके बाद ही आप मसालों को ऐड करें, तब आपके चिकन को जो स्वाद मिलेगा ना, सुपर। तो इन सब को अच्छे से मिलाते हुए चिकन को और 10 से 15 मिनट के लिए हमें भूनना है, तभी हमारा जो चिकन है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो हमने जितने भी मसाले ऐड किए थे वो बहुत ही अच्छे से भून गए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें से तेल सेपरेट होने लगा है।
सब्जी में से तेल सेपरेट होने लगे, इसका मतलब कि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। तो यहाँ पे हमने करीबन 2 ग्लास पानी ऐड किया है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। आप थोड़े लोगों के लिए बना रहे हो या कम बना रहे हो तो पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, आपका चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो पानी ऐड करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे, ताकि हमने जो एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है वो अच्छे से मसालों के साथ पक जाए। तो हमारा जो चिकन है अब बहुत अच्छे से कुक होके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर, कितनी अच्छी सी तरी बैठी है इसके ऊपर। तो यहाँ पे अब हम धनिया पत्ते को ऐड कर देते हैं और इन सबको अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो हमारा जो चिकन की रेसिपी है बहुत ही लाजवाब सी बन के तैयार हो गई है, बनी है ना बहुत ही अलग सी हमारी चिकन की रेसिपी। तो इस रेसिपी को ट्राई करें आप, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।